गाइस हमारी गेम के अंदर में OB39 का पंच अपडेट का कैलेंडर आ चुका है। तो इस कैलेंडर के अंदर में गरीना फ्री फायर ने छोटे मोटे अपडेट दिया है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग हाईलाइट में देख सकते हो, सो यहाँ पर गरीना फ्री फायर ने एक अपडेट दिया है। तो ये अपडेट देखने को मिल जाएगा कैरेक्टर स्किल के ऊपर, यानी आप लोग कैरेक्टर स्किल जहाँ पे लगाते हो, मान के चलो कि आपने एलोक के ऊपर मैक्सिम को, हयाटो को या फिर केली को यूज किया है, तो उसी के अंदर ही आप लोग को अपडेट देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा हम लोग कैरेक्टर सिस्टम ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये अपडेट मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज ये अपडेट काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि गाइस हम लोग को ऑल कैरेक्टर गोल्ड में मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो बाय कैरेक्टर विथ गोल्ड, यानी आप लोग को गोल्ड के बदले में कैरेक्टर मिलेगा। तो इस बार आप लोग को एक्टिव स्किल वाले कैरेक्टर गोल्ड में मिलने का काफी सारा चांस है, जैसे कि एलो, क्रोनो, यहाँ तक कि सैंटिनो कैरेक्टर भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता ना तो काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गाइस बाहर के सर्वर में उनको गोल्ड के बदले में एक्टिव स्किल वाला कैरेक्टर मिलेगा, और वो भी रमदान इवेंट के अंदर से। और आप लोगों तक कि रमदान इवेंट हमारी गेम के अंदर में बहुत जल्द आने वाला है, यानी OB39 अपडेट के जस्ट बाद OB39 का पहला इवेंट होने वाला है, रमदान इवेंट, और वो इवेंट काफी ज्यादा बड़ा इवेंट होने वाला है। और इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर स्किल के बारे में। तो देखो आप लोग को OB39 अपडेट के बाद कैरेक्टर स्किल के ऊपर भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितने सारे कैरेक्टर देख रहे हो ना, तो इसके अंदर आप लोग को अपडेट देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा नीचे में आप लोग देख सकते हो अल्वारो अवाकिन, यानी ये इलाइट अल्वारो होने वाला है OB39 अपडेट की बात में आएगा, और इसके एबिलिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये कैरेक्टर 24 मार्च को आएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। और इसके अलावा नीचे में आप लोग देख सकते हो CS एंड बियर में एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो देखना अपडेट के बाद गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसके अलावा हम लोग को CS और बियर के अंदर में काला हरी मैप देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी अभी हमारे गेम के अंदर में 3 मैप है, तो अपडेट के बाद और 3 मैप ऐड होगा, जैसे कि अल्पाइन मैप, काला हरी मैप और इसके अलावा और एक मैप है, तो ये तीनों मैप ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा नीचे में आप लोग देख सकते हो गेम प्ले इम्प्रूवमेंट इन OB39। तो यहाँ पर गरीना वाले OB अपडेट के बाद गेम प्ले के ऊपर भी इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। और इसके अलावा कैलेंडर के अंदर में ज्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन गाइस यहाँ पर मेरे को सबसे बेस्ट लगा बाय कैरेक्टर विथ गोल्ड, यानी आप लोग गोल्ड से कैरेक्टर को बाय कर सकते हो, तो ये अपडेट मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। वैसे गाइस मेरे पास तो सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, आपके पास है या फिर नहीं आप लोग मेरे को कमेंट कर बताना। तो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोग से जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।